यार ये तो बहुत टाइम ले रहा है। चलिए तो फिर स्टार्ट किया जाए आज का नया ब्लॉग। आज यार उठाई काफ़ी देर से हूँ, मतलब कि 10:30 बज गए थे उठने में। एक तो बनता भी था उठना यार, क्योंकि कल हुआ क्या कि चल भाई का रिजल्ट निकला था, वो अलग खुश था और कुछ सामान आने वाले थे कि मतलब चले यार कुछ वो सामान आ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट था। हमने बोला चल ठीक है सामान ही आ रहा है, क्या हो गया ऐसा। तो ठीक है वो आया, बड़े टेम्पो में आया, वो यहाँ पे रुका, फिर कुछ ऑर्डर के सामान उतरे। फिर हमने सोचा यार हम तो कर ही लेंगे, मतलब हम भी जिम वाले बंदे हैं, कोई ना उठा के रख दे देंगे। फिर हमने सोचा क्यों ना बोल दिया जाए यार कि भाई कोविड भी है यार, इसलिए हमने बोला कि नहीं रहने दो, अभी कोविड में हम अंदर घुसने देंगे नहीं किसी को, हम खुद ही कर लेंगे। तो भाई का रिजल्ट निकला था, हमने सोचा क्यों ना चलो इसे सरप्राइज़ गिफ्ट दिया जाए कुछ। तो सरप्राइज़ गिफ्ट के हिसाब से हमने उसे एक अच्छा सा सरप्राइज़ गिफ्ट दिया कि भाई तू सामान ऊपर रख, हम तेरे साथ हैं, तू टेंशन मत ले, हम तेरे साथ ही चलेंगे, दोनों को ही साथ में रख उठाएंगे सामान। तो यार कल हम सारे भाई बहन मिल गए, मिलने के बाद उठा तो लिया, सामान रख भी दिया, उसके बाद भाई जो बॉडी में पेन हुई है पूछो मत। फिर हम सोच रहे थे कि भाई कहीं गलती तो नहीं करते, कोविड के कारण उसे घुसने नहीं दिया, अगर घुसने देते तो कम से कम बॉडी में पेन तो नहीं होती। लेकिन कोई ना, हम सख्त लौंडे, हमने बोला कि कोई ना बॉडी पेन थोड़ी ना हो रही है, अंदर से पेन हो रही थी, लेकिन हमने बताया नहीं, चल कोई ना होता होता है ऐसा, रोज़ का मेरा, मैं रोज़ उठाता हूँ इतने 25-30 kg, लेकिन वो भाई कम से कम मेरे को लगता है वो 100-200 तो होगा ही पक्का, क्योंकि हमें 6-7 बंदे हम लग गए थे उठाने में, वो 6-7 बंदे। तो आज बनता भी था उठना लेट, लेकिन यार रोज़ का हो गया कि रोज़ मैं 10:30-11 उठता ही हूँ, तो ये चीज़ थोड़ा सा मेरे को लगता है मैं ब्लॉग में अगर घुस रहा हूँ तो ये थोड़ा इम्प्रूव होगा मेरे लिए। अभी टाइम भी आप देख रहे हो जैसे कि 3 बजने वाला है यार, कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया ब्लॉग। आज वैसे नया मौसम, नई अच्छी सुबह, मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में यार आज। चलो आपको राउंड टूर पर ले चलता हूँ एक, चलिए। बाय। अभी अभी छोटी बहन गई है, कम से कम अभी वो आई थी तो मुझे लगता है वो 2-3 साल बैठ गई है, इतना ज़्यादा उसने ज्ञान दिया है। मैंने ये किया आज, मैंने वो किया आज, मुझे टीचर ने ये बोला, मुझे टीचर ने वो बोला, मुझे ऑनलाइन क्लासेस में ये है, मुझे ऑनलाइन क्लासेस में वो है, पागल हो गया था मैं। जैसे तैसे करके मैंने उसे हटाया, फिर लंच किया, अभी थोड़ी देर रेस्ट कराया मैंने, तो अब वर्कआउट कर लेता हूँ, तो चलिए चलते हैं वर्कआउट। या सो डन विद द वर्कआउट, अब चलता हूँ नहाने के लिए, काफ़ी वक्त हो गया। तो नहा वाके हो गया मैं तैयार अब। अरे एक तो थकावट बहुत हो जाती है एक्सरसाइज करने के बाद, फिर नहाना एक मतलब कि हेडेक सा रहता है कि नहाना भी अब एक मतलब कि आपका रूटीन है वो कि आपको करना ही है। अगर मैं हॉस्टल में रहता तो मैं नहीं नहाता मैं, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद सबसे पहले सोता हूँ थोड़ी देर, उसके बाद फिर जाता हूँ नहाता हूँ अगर मन करे तो, क्योंकि भाई हम सून टू बी इंजीनियर्स हैं तो कुछ तो होना चाहिए ना इंजीनियर्स का। तो जितने मेरे फ्रेंड्स हैं वो समझ ही रहे मेरे को, समझ क्या रहे हैं वो ही वही करते हैं। तो बस वही है यार, जिम करो, फिट रहो, फ़ायदा करो, और क्या ही है, फ़ायदा उठाओ जो भी जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उसमें खुश रहो यार। मेरे पास ज़्यादा नहीं है, जितना भी उसी में खुश रहता हूँ, बाकी फिजिक बनाओ, अच्छी बनाओ, अलग सी कॉम्प्लेक्शन आती है, अलग सी पर्सनालिटी निकलती है, जो भी है सब हेल्प करता है आपको यार। बाकी जो भी टिप्स वगैरह चाहिए अगर मेरे पास उतना होगा तो मैं आपको बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा, बाकी तो फिर और क्या ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभी एक कोर्स ही पढ़ा है, वो कोर्स भी करना है, इम्पोर्टेंट है, अच्छा लगता है पढ़ना थोड़ा सा ठीक ठाक। जोक मारा रे, इंजीनियर हूँ, ऐसे ही नहीं चला गया, तो अच्छा लगता है पढ़ना। अपनी तोड़ साले का मार। और जितने मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं वो भी कर ही रहे हैं कोर्स, मुझे लगता है जहाँ तक करना ही चाहिए कोर्स, मतलब कि लॉकडाउन का फ़ायदा उठाओ और क्या ही है, सारे होशियार ही हैं, अब ज़्यादा खुश मत होना। तो जितने भी इंजीनियर्स हैं यार कोर्स वगैरह करो, जो भी करना है, मतलब सून टू बी इंजीनियर और क्या ही है। अभी चलता हूँ यार, थोड़ा स्नैक्स वगैरह लेता हूँ, स्नैक्स नहीं हुआ है कुछ, थकावट बहुत हो गई है, कुछ स्नैक्स लेता हूँ हल्का फुल्का, फिर आता हूँ, फिर कोर्स करने के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। Guys, for watching my vlog, I hope that you will come again and watch my vlog again. So इतने मैं नए नए vlogs डालूंगा, उसमें नए नए कुछ कारनामे होने हैं पक्का, तो stay tuned, आपको पता चलते रहेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मेरे लाइफ में। और इतना मैं बोलता हूँ कि आपको इंटरेस्ट बहुत आने वाला है, मज़ा बहुत आने वाला है, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और शेयर जितना कर सकते उतना करें, सब्सक्राइब भी करें, बस आपका सपोर्ट है तो पक्का आगे बढ़ूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू।